मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। हिजाब को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हिजाब के ही मुद्दे को लेकर कर्नाटक के कॉलेज के कुछ छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, और हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो काफ़ी दुखद है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब की याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट जो छात्र छात्रा है वो स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर ना आए। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम समाज में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है, और इस फैसले के ख़िलाफ़ कॉलेज की छात्राएं और मुस्लिम समाज के कई लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आज इसी हिजाब के मुद्दे को लेकर हम थाने कांग्रेस के उपाध्यक्ष अब्दुल गफूर रोमानी से बात करते हैं कि उनका हिजाब को लेकर क्या कहना है, और जिस तरीके से देश में हिजाब को लेकर जो बातें चल रही है, ख़ास करके अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां उनके अलग अलग बयानात आ रहे हैं उसको भी लेकर उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ मैं हाजिर हूँ। गफूर भाई, क्या कहेंगे जो हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है कि हिजाब पहनना लाजमी नहीं है, उसको लेकर क्या कहोगे? हुसैन भाई, ये जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है ये सरासर गलत फैसला है, और ये फैसले को हमारे जो शरई तौर पे या जो भी हमारा ये मुस्लिम जो कौम है वो मानने को तैयार नहीं है और न मानेगी। इसके लिए हमको जहाँ भी जाना पड़े फैसला हमारे मतलब फेवर में आने के लिए, हम जाएंगे और हम पूरा साथ हमारे कौम का देंगे। कुछ हिजाब को भी लेकर कुछ सियासी लीडरान के अलग अलग बयानात आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहोगे? अभी सियासी लीडरान का नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ, वो अपने हमारे भी है। आज हमारे अगर सियासी लीडरान अगर ऐसी बातें करेंगे कि भाई हिजाब लाजमी नहीं, ये नहीं वो नहीं है, तो क्यों ना दूसरे लोग भी उस पर आवाज़ उठाएंगे। मेरे ख्याल से जो भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिजाब ऐसी चीज़ है ना जिससे चेहरे के ऊपर मतलब जो एक उसमें एक अलग ही उसमें एक हमारा एक हिजाब पहनने से औरतों के लिए अच्छी बात बन जाती है। दूसरी बात, हिजाब आज पूरी दुनिया में औरतें हैं पहनने, लड़कियां हैं पहन रही, कॉलेजों में बड़े बड़े इसके अंदर मिनिस्टर लेवल में भी है, और वकील है, पढ़ मतलब बहुत से प्रोफेसर हैं जो वर्ल्ड में जो मतलब कर रहे हिजाब पहन के, तो वहाँ पे लाजमी मतलब लाजमी लेकिन पहन के काम कर रही है ना, तो वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं, तो फिर हमारे यहाँ पे क्यों ऑब्जेक्शन है? और हमारे शरीर इसमें किसी को रुकावट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलत तो कुछ नहीं है, उससे कोई हमारे देश का या किसी का नाम बदनाम तो नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। और इसे सभी लोग उसको पसंद कर, हर जात के लोग पसंद कर रहे हैं मेरे हिसाब से। इस हिजाब को लेकर फिरका परस्त ताकतें भी काफ़ी सक्रिय हो गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? फिरका परस्त को काम ही क्या है? आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर फिरका परस्त ताकतें ही मतलब ये सब मतलब बातों को उछाल रही है कि कहीं से भी मतलब हमको वोट मिले या हम सियासत खेल के हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करें, ये हो सकता है। हिंदू समाज में भी घूंघट लेने का उनका एक रिवाज है, लोग उसको ना कहते हुए सिर्फ हिजाब को ही टारगेट कर रहे हैं, उस पर क्या कहोगे? हमारे हिंदू भाई बहुत समझदार लोग हैं और वो सब चीज़ जानते हैं कि मुस्लिम में जो हिजाब है या बुरका है ये बहुत अच्छी चीज़ है, और माशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि जो घूंघट की आपने बात की है तो घूंघट भी मेरे हिसाब से एक बुरके जैसा ही, मतलब वो अपना चेहरा दिखाने नहीं चाहते, बहुत अच्छी बात है। औरतों को बाजारों में इसमें कोई भी जात की हो अपना चेहरा दिखाना और इसलिए घूंघट पहनना बुरका पहनना कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है ये जो यूपी के चुनाव आए तो इस चुनाव में बीजेपी को हिजाब को लेकर काफ़ी फायदा हुआ और वो बहुमत से जीत कर आई है, ये हिजाब की वजह से भी हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है, हिजाब से वहाँ के भी हमारे हिंदू भाई ये बिल्कुल वो चीज़ को मानते नहीं है न माने हैं, बल्कि ये जो जीत हुई है उनकी वो दुनिया जानती है और हमारे यहाँ के सभी पार्टियाँ भी जानती हैं और पूरे हमारे लोग भी जानते हैं कि वो इलेक्शन कैसे जीते, क्या हो गया।
बुरके से कोई उनका लेना नहीं है, और उनके जो हमारे जो भाई लोग हिंदू है वो भी उस चीज़ को नहीं मानते, और वो उस चीज़ की वजह से इनको वोट देंगे बीजेपी को, ये हो ही नहीं सकता है। मुझे इतना मतलब हमारे हिंदुस्तान पे भरोसा है हमारे लोगों के ऊपर। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी नाराज़गी है, और कई लोगों का ये भी कहना है कि वो इस हिजाब को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट किसे रुजू करेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे बच्चियाँ जो वहाँ पे जो मुकाबला कर रही है, जो कर्नाटक के जो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, वो बच्चियाँ जो हिम्मत करके आगे जा रही है, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत काबिल तारीफ़ है, वो आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा जो हिंदुस्तान का कानून है, मुझे इतनी उम्मीद है कि वो उसके फेवर में फैसला देगी इंशाल्लाह आगे।